नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ टेट, मैं हूं आपके साथ सोनी। महाराष्ट्र का नया मुख्यमंत्री कौन होगा, इस सवाल पर अभी भी सस्पेंस बरकरार है। दिल्ली के गृह मंत्री अमित शाह की आवाज़ पर करीब 3 घंटे की बैठक के बाद भी महाराष्ट्र का नया मुख्यमंत्री कौन होगा, इस सवाल का जवाब नहीं मिल पाया है। आपको बता दें कि अमित शाह से मायावती के नेता कार्यवाहक सीएम एकनाथ शिंदे और दोनों पूर्व डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार ने मुलाकात की और इस बैठक में बीजेपी अध्यक्ष नड्डा भी मौजूद थे। साथ ही एनसीपी सांसद सुनील तटकरे और प्रफुल्ल पटेल भी मौजूद रहे। हालांकि इस बैठक में भी महाराष्ट्र के सीएम चेहरे से पर्दा नहीं उठा। अभी भी सभी की नज़र आज मुंबई में होने वाले इस बैठक पर है। शिवसेना प्रमुख एकनाथ शिंदे और भाजपा के वरिष्ठ नेता देवेंद्र फडणवीस शुक्रवार को नई दिल्ली से मुंबई लौट आए हैं। सूत्रों के मुताबिक आज शाम को बैठक होने की उम्मीद है, लेकिन फिलहाल कुछ भी निर्धारित नहीं है। बता दें कि अजीत पवार को दोपहर के मुंबई लौटने का कार्यक्रम है और भाजपा को भी विधायक दल की बैठक बुलानी है। इस बीच शिंदे सतारा रवाना हो गए हैं और ऐसे में कहा जा रहा है कि मुंबई में आज बैठक नहीं होगी, ये बैठक अब रविवार को हो सकती है। वहीं आपको बता दें कि सूत्रों के मुताबिक गृह मंत्री शाह ने शिंदे, फडणवीस और अजीत पवार से बीती रात अलग अलग बात की। तीनों से शाह ने कैबिनेट बंटवारे को लेकर मंथन किया है और जानकारी आ रही है कि विधायकों की संख्या के हिसाब से बीजेपी करीब 20 मंत्रालय अपने पास रखना चाहती है। तो वहीं एनसीपी से ज़्यादा शिवसेना को मंत्री पद मिलने की उम्मीद है। हालांकि कौन विभाग किसके पास रहेगा, इस पर अभी भी बात नहीं बन पाई है। और सबसे खास बात यह है कि मीटिंग के बाद मुख्यमंत्री पद को लेकर जारी सस्पेंस भी अभी खत्म नहीं हो पाया है। मीटिंग के 3 घंटे चली, उसके बाद एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार तीनों देर रात ही मुंबई लौट गए। महाराष्ट्र चुनाव के बाद मायावती की बैठक पर शिवसेना नेता मनीष कांदे ने कहा कि कार्यवाहक सीएम एकनाथ शिंदे जी ने पीएम मोदी और अमित शाह जी पर पूरा भरोसा जताया है, क्योंकि वे एनडीए का अहम हिस्सा है। विधायक दल के सदस्यों ने उन्हें अपना नेता चुना है और हमने विभागों और अन्य मांगों पर बात करने का काम उन पर छोड़ दिया है। तो वहीं इस पूरे मामले पर शिवसेना शिंदे गुट के नेता उदय सामंत ने क्या कहा, आप यह भी सुनिए। कल अमित शाह की बैठक हुई, बैठक के बाद सीएम साहब ने प्रतिक्रिया दी, आज नाराज है, सातारा गए, ऐसी खबर आ रही है। नहीं, नाराज की जो न्यूज है, जो नाराजगी आप दिखा रहे हैं वो सूत्रों के हवालों से है। कल सुबह, आज सुबह 5 बजे तक हम एकनाथ शिंदे साहब के साथ थे, कल वो वापस आ जाएंगे। और ऐसा नहीं है कि मीटिंग आज सिर्फ फिजिकली हो जाती है, वीसी पे हो जाती है, मोबाइल पे बात हो जाती है, वो बात करेंगे और जल्द से जल्द उन्होंने जो कहा है वो मंत्रिमंडल स्थापन का मार्ग जो खुला हुआ है वो फाइनल हो जाएगा। आपके सहकारी संजय सिरसाट का एक बयान सामने आ रहा है, संजय सिरसाट कहते हैं कि डिप्टी सीएम पद एकनाथ शिंदे नहीं लेने वाले, कोई उनके जगह डिप्टी सीएम पद नहीं। ये संजय सिरसाट साहब ने क्या बयान दिया है मुझको मालूम नहीं है, मैं उनके साथ बात करूंगा और बाद में मेरा बयान दूंगा। संजय सिरसाट कहते हैं कि डिप्टी सीएम का पद एकनाथ शिंदे नहीं लेंगे। मैंने बोला ना, मैं उनके साथ बात करूंगा फोन पे। क्या एकनाथ शिंदे डिप्टी सीएम पद नहीं लेंगे? अरे मैं उनके साथ बात करूंगा ना, सीएम साहब उन्होंने सरकार में रहना ही हमारी जरूरी है, ये मेरा जो कहना है मैं बोल रहा हूँ। क्या सीएम जो अभी एकनाथ शिंदे वो मंत्रिमंडल में डिप्टी सीएम का हिस्सा? मैंने यही बोला कि हमारी वो जरूरत है। तो वही महाराष्ट्र के सीएम चेहरे पर केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता डॉक्टर भागवत कराड ने कहा, हमेशा कहा गया है कि तीनों दलों के नेता मिलकर फैसला लेंगे, मुझे लगता है कि अगले हफ्ते तक इस पर फैसला आ जाएगा। यह एक स्थिर सरकार होगी जो जनता के लिए काम करेगी। मैं बीजेपी से हूं, इसलिए मुझे लगता है कि सीएम मेरी पार्टी से होना चाहिए, ये मुझे पूरा विश्वास है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजे 23 नवंबर को घोषित हुए थे, जिसमें महायुति को 233 सीटें मिली। ममता जनादेश मिलने के बाद इसके बावजूद सत्तारूढ़ बीजेपी के नेतृत्व वाले महायुति गठबंधन ने अभी तक मुख्यमंत्री के लिए अपने संसद को अंतिम रूप नहीं दिया है। तो वही 280 संसद महाराष्ट्र विधानसभा में बीजेपी 132 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी, जबकि उसके सहयोगी दल एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना सिर्फ और सिर्फ 57 और अजित पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी सिर्फ नाने के सिर्फ 41 सीटें ही जीती। फिलहाल इस खबर में अभी के लिए इतना ही। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके आप जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। न्यूज़ नेशन अब व्हाट्सएप पर, खबरों की ताजा अपडेट के लिए
न्यूज़ नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।